नमस्कार, मैं कुमार शाह। देश का सम्मान जरूरी या चीन का सामान, यह शीर्षक है उस बंदे के कार्यक्रम का जो हमेशा 9 बजे टीवी पर बकवास करने के लिए अवतरित हो जाता है और देश के आम नागरिकों की भावनाओं के साथ अपना गंदा खेल खेलना शुरू कर देता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कही गई मेरी कुछ बातों से आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं इस नाजुक दौर में भी कहना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति की छवि चमकाने के लिए न जाने इस गोदी मीडिया ने कितनी ही लाशों पर पर्दा डाल दिया है, एक सवाल तक नहीं पूछा और देश के नागरिकों की भावनाओं का दोहन करते हुए भाजपा को हर बार सत्ता तक पहुँचाने का काम किया है। यह कृत्य न केवल अश्लील है बल्कि दुष्टता से भी ऊपर है। जब तक आप इस गंदे खेल को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी चीन तो कभी पाकिस्तान के नाम पर भोंदू बनते रहेंगे और ये सत्ताधीश आपकी इन्हीं भावनाओं को सीढ़ी बनाकर नए रूप में सत्ता तक पहुंचते रहेंगे। यही सत्य है। चाहे आपको मेरी बात अतिशोक्ति लगे, चाहे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब तक आप नज़रें पसार कर देखेंगे और चीज़ों को नए सिरे समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से वर्तमान में उभरे नए परिप्रेक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब आते हैं सुधीर चौधरी के इस कार्यक्रम पर। केवल इसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि बहुत से कार्यक्रमों में सुधीर चौधरी देश के आम लोगों से अपील करता है कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करे और स्वदेशी अपनाए, लेकिन इस बात को कहते हुए न उसे शर्म आती है और न उसकी नज़रें गड़ती है, बस निर्लज्जता से बकवास करता रहता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में सुधीर चौधरी हिंदी चीनी बाय बाय पर बात कर रहा है। यह बस बात कर सकता है, न इसकी बात का कोई महत्व है, न इसकी बात का कोई मूल्य है। इस तस्वीर के साइड में एक विज्ञापन देखिए, यह विज्ञापन है चीन की कंपनी लिनोवो का, यानी जिस कार्यक्रम चीन के सामान के बहिष्कार की बात कर रहा है, चीन को बाय बाय कह रहा है, उसी कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है लिनोवो ने, जो कि चीन की कंपनी है। मतलब चीन के इस कार्यक्रम के लिए चीन ही निवेश किया है, पैसे दिए हैं, और यही बेशर्म लोग देश के आम लोगों को चीनी सामान न खरीदने की अपील करते हैं, क्योंकि इन दिल्ली में बैठे एंकरों को लगता है कि देश के लोग मूर्ख हैं, वो जो कहेंगे वही सत्य है और लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे और मान लेंगे। हालांकि उनका ये जो ख्याल है खाली नहीं है, बात तो ऐसी ही है, लोग अंधे हैं। जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसे ही ठीक मानकर इन एंकरों के कहने पर घर का टीवी बाहर फेंक कर फोड़ने लगते हैं और हमारे इस अंधेपन का फायदा इन एंकरों को और टीवी घरानों को होता है। यही इनका सिस्टम है, ये खूब सारे पैसे कमाएंगे। इन्हें चीनी सामान और इनकी कंपनियों से कोई शिकवा नहीं है, न ही उन्हें देशभक्ति की परीक्षा देनी है। उनकी जेबें गर्म है, परीक्षा देनी तो है हमें। हमें टीवी नहीं खरीदने हैं, हमें जो लड़ियाँ हैं दीपावली के दिन वो नहीं खरीदनी है। हमें ये ज्ञान देंगे सुधीर चौधरी जैसे बकवास एंकर और हम आंखें बंद करके इनकी बातों को मानते रहेंगे। ये लोग हमेशा देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, यही लोग तय करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जेब पर तनिक भी असर नहीं पड़ने देते। इनको न आपकी भावनाओं से कुछ लेना देना है, न ही इस देश से लेना देना है। उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसा कहीं से भी कैसे भी आए, इनका पहला और अंतिम लक्ष्य वही है, वो है धन, पैसा। उनके लिए चाहे इन्हें जवानों की लाशों का इस्तेमाल करना पड़े, गरीबों का खून सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े, तो ये करेंगे और इनको कुछ नहीं चाहिए। अब आपको मैं एक टीवी चैनल की करतूत और दिखाता हूँ, सामने रखता हूँ आपके। ये है अर्णब गोस्वामी, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, किसी को भी देशद्रोही कह देता है। ये जो चाइना के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा है, ये कार्यक्रम भी पावर्ड बाई वीवो है, जो कि चाइना की कंपनी है। अब आप बताइए ये चैनल वाले क्या कहना चाहते हैं। ये चीन का पैसा खाते हैं, करोड़ों में खेलते हैं और देश को कहते हैं कि चाइना का सामान का बहिष्कार करो, उसकी कमर तोड़ो। ये एक भद्दा मजाक है और यह मजाक न केवल सैनिकों की शहादतों का है बल्कि उनके परिवारों के आंसुओं और भावनाओं का है। खुले रूप में ढोंग चल रहा है, देश में नाटक चल रहा है और पूरे देश को उसमें उलझाए हुए हैं। अब आते हैं सरकार के सबसे बड़े भद्दे मजाक पर। चाइना से लड़ते हुए हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, हमारे जवान क्यों शहीद हुए, इसका जवाब तो राहुल गांधी देंगे। मोदी को तो हमने पूछने के लिए चुना है, वो जवाब थोड़ी देंगे, जवाब तो जवाहरलाल नेहरू देंगे।
सरकार का टिकटॉक पर एक अकाउंट है, वहां पर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है टिकटॉक पर। यह वीडियो सरकार ने टिकटॉक पर डाला है चाइना के ऐप पर। अब बताइए मजाक कौन कर रहा है? इतने तो आप भी अंधे मत बनिए। इतना क्यों भक्ति में डूबना है आपको? क्या आप शहीदों के खून से समझौता कर रहे हैं? आप भी कर रहे हैं। सरकार खुलेआम देश के लोगों से मजाक कर रही है। चाइना से लड़ते हुए जवान शहीद हो रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि भी चाइना के ऐप पर दी जा रही है। मोदी ने देश को मूर्ख समझ लिया है, हालांकि है ही, इसमें कोई शक नहीं है। इन लोगों को न तो शहीदों से कोई मतलब है, न ही देश से मतलब है। इन्हें सिर्फ एक व्यक्ति की भक्ति करनी है, वो बेशर्मी से देश देश करते रहते हैं। जब जब देश की सरहद पर जवानों की शहादत होती है और सरकार कांग्रेस को घेरने और जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराने की कोशिश करती है, तब तब मुझे पुलवामा की याद हो आती है। ये वही सरकार है जो आज तक उन 40 जवानों की शहादतों का हिसाब नहीं दे पाई है। हालांकि उनके खून पर वोट मांगकर सत्ता में जरूर आ गई है, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाई है कि जो आरडीएक्स कहां से आया था, जो जिसकी वजह से जवान शहीद हो गए थे, हमारे जवान मर गए थे। इन्हें क्या लेना है जवानों से? जवान मर गए, इन्हें वोट चाहिए थे। ये भाजपा का सिस्टम है। अब भी जवान शहीद हो चुके हैं। सरकार कभी तो राहुल गांधी की आड़ में छुप रही है, तो कभी जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रही है। मानो इन्हें चुना ही इसी काम के लिए है। बस पूरी बकवास चल रही है। जवान शहीद हो रहे हैं, एंकर मोटी रकम कमा रहे हैं, सरकार टिकटॉक श्रद्धांजलि दे रही है, और तुम चाइना की कमर तोड़ते रहो। बाकी एक बात कह देता हूँ, आज ही भाजपा को बिहार और बंगाल के लिए मीटर मिल गया है, उसका काम बन गया है और कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली के ऐसे कमरों में बैठकर एंकर आपको हर बार मूर्ख बना देते हैं और आप बन जाते हो। मेरा कहना है कि सचेत रहो, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। एक व्यक्ति का अहंकार और उसकी आत्ममुग्धता इस देश को ले डूबेगी। इस व्यक्ति ने हर देश के साथ संबंध सुधारे नहीं बल्कि खराब किए हैं। कहीं कुछ ठीक नहीं है, सब अस्त व्यस्त है। कोई सा भी फैक्टर उठा कर देख लो, आप बता दें कि देश में क्या ठीक है। हाँ, नफरत की दुकान है, वो धड़ल्ले से चल रही है। सुधीर चौधरी जैसे लोग मौज में हैं और सब ठप है। आप अंधे बने रहें, आपको शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाएगी। आपको लगता है कि मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा काम इस लायक है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहाँ जाकर भी। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार श्याम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।